का सोशल आवास, ये बैनर के तहत हम लोगों ने सभी सोशल सैनिकों को, शिव सैनिकों को यहाँ पर बुलाया है और बड़े पैमाने पर लोग भी आए हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से सोशल मीडिया पे शिवसेना की आवाज पहुंचनी चाहिए, हर घर तक आवाज पहुंचनी चाहिए, किस तरीके से हमारा जो पॉजिटिव काम है, पॉजिटिव काम लोगों तक कैसे पहुंचे, सरकार का काम कैसे पहुंचे, शिवसेना का काम कैसे पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब का काम कैसे पहुंचे, इसलिए आज ये बैठक है। इसमें अलग अलग सेमिनार जो है, अलग अलग लोग सोशल मीडिया में जो जो स्पेशलिस्ट है या हमारे पदाधिकारी है जो जानते हैं सोशल मीडिया के बारे में, जो ट्विटर के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, फेसबुक के बारे में, ये सब के बारे में जो है आज लोगों को यहाँ पर मार्गदर्शन करने का काम हुआ है। इसका एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार के अच्छे काम, पॉजिटिव काम, जो इतनी सारी स्कीम्स हम लोग ने किया, इतने सारे डेवलपमेंट्स हम लोग ने किए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, मतलब महाराष्ट्र एक नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर वन है, स्टार्टअप्स में नंबर वन है, उसी के साथ में जो है एफडीआई में नंबर वन है, उसी के साथ में हम लोग ने स्कीम जो अलग अलग लाडली बहना स्कीम किया है, लेख लाड़की स्कीम है, युवा कार्य प्रशिक्षण स्कीम है, ये सभी के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो काम हमने किए वो लोगों तक पहुंचने चाहिए, ये हमारा सरल सरल हेतु है। सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको लेके जो फॉल्स नैरेटिव सेट किया जाता है, ये कहा जाता है कि यहां से जो प्रोजेक्ट है गुजरात कोशिश उसके बारे में, अरे ये जो फॉल्स नैरेटिव है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम है महाराष्ट्र सरकार ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने किया है। आज अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा एफडीआई जो है महाराष्ट्र में नहीं होता, 52% जो पूरे देश का है एफडीआई वो महाराष्ट्र में सबका एकत्रित अगर किया बाकी स्टेट्स का, तो भी महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र की बराबरी कोई नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में जो हमने दावोस में जाके एमओयूज किए उसमें से 70-75% जो है एमओयूज हमने ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किए। परसों ही आपने देखा होगा कि सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही थी, वो सेमीकंडक्टर का प्लांट भी जो है तळोजा में इंस्टॉल किया गया, वो शुरू भी किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये फॉल्स नैरेटिव ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, अगर झूठ बोलोगे तो कितना लोगों को भी पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किस तरीके से सरकार काम कर रही है ये लोगों तक पहुंच रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आए, इसके लिए हम लोग ने गए 2 साल में काम किया, और 2 साल पहले 2.5 साल ये सब इंडस्ट्री भागे कैसे, इसलिए लोगों के घर के नीचे बम प्लांट करने का काम भी इन्होंने किया, इसलिए जो है जो लोग डर गए थे शुरुआत में वो इनकी हरकतों की वजह से डरे कि इन्होंने जो है जो बम लगाया, जिसने वो बम लगाने वाले के पीछे भी ये खड़े रहे, उसको सपोर्ट किया उन्होंने, ऐसी इनकी नीति थे। लेकिन हमने जो है लोगों के मन से डर हटाया। आज अगर आप मुंबई देखोगे तो मुंबई इतना बड़ा शहर है, इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पर मेट्रो आप देखोगे, अभी आज कारशेड का काम पूरा जो है हो रहा है, जिस कारशेड का काम इन्होंने रुकाया, 10,000 करोड़ रुपए जो है ज्यादा नुकसान जो है एक्सचेकर को इनकी वजह से हुआ। आज कोस्टल रोड देख रहे हो, हर महीने अलग अलग कोस्टल रोड के पड़ाव जो है हम लोग पार कर रहे हैं। कल भी हम लोग ने जो है एक लिंक एस्टेब्लिश की, जिससे और 20 मिनट जो है लोगों को बच गए ट्रैफिक के। एमटीएचएल देखिए आप, मेट्रो का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है मुंबई में है। तो सिर्फ डेवलपमेंट की भाषा जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और ये सब लोगों तक पहुंच रहा है। मैं आपको भी निवेदन करूंगा कि ये फॉल्स नैरेटिव जो चलाते रहते हैं कि बताते रहते हैं, मुझे लगता है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो काम अच्छा हो रहा है इस शहर में वो लोगों तक पहुंचाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।